हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि एक बजट ट्राइपॉड है और जो एक्सपेंसिव ट्राइपॉड्स होते हैं उनकी तरह ही ये भी सेम फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इस ट्राइपॉड को ओपन करते हैं। इसे ओपन करते ही हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक डब्बा देखने को मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट वालों ने पूरी तरह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये सेंड किया गया है ताकि अच्छे से ये डिलीवर हो सके, टूटे ना। तो चलिए अभी हम लोग इसके पैकेट को काटते हैं और देखते हैं कि हम लोग को इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे खोलते ही हम लोग को देखने को मिलता है एक और डब्बा जो कि इसका मेन डब्बा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर मोबाइल होल्डर देखने को मिलता है और उसके बाद हम लोग को अपना ट्राइपॉड को देखने को मिलता है जो कि एक बैग में अच्छे से पैकेटिंग किया गया है। अभी हम लोग ट्राइपॉड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये ट्राइपॉड। तो देखिए दोस्तों, ये ट्राइपॉड एक एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि आसानी से टूट सकता है। और इसका लोड कैपेसिटी जो है 1500 ग्राम का है जो कि आप लोग को इस साइड में एक पूरी डिटेल्स में देख सकते हो। और इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 1050 mm और मिनिमम लेंथ है 305 mm। और दोस्तों, इस ट्राइपॉड से आप लोग अपना DSLR भी अटैच कर सकते हो, यानी कि फ़ोटोशूट भी अच्छे से हो सकता है इस ट्राइपॉड से, और मोबाइल वीडियोस भी आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि ये जो ट्राइपॉड है ये 360 रोटेशन है, यानी कि इसमें आप लोग कहीं भी किधर भी इसे घुमाकर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों, ये ट्राइपॉड ज़्यादा भारी भी नहीं है, यानी कि इसे आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो। इसका वेट है 450 ग्राम का जो कि बहुत ही हल्का है, और इसे आप लोग कहीं पर भी आराम से ब्लॉग व्लॉग भी आप लोग शूट कर सकते हो। और अभी मैं इसके मोबाइल होल्डर की बात करूं तो जो बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल आराम से अटैच कर सकते हो। और चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें मोबाइल को अटैच करके कि कितना ये लोड सह पाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें मोबाइल अटैच कर लिया है और देख सकते हैं इसमें मोबाइल आराम से अटैच हो जा रहा है। और मोबाइल को अटैच करने के बाद भी हम लोग को ये ज़्यादा भारी महसूस नहीं होता है, यानी कि इसमें हम लोग आप लोग आराम से अपना वीडियो शूट कर सकते हो। और जो ड्राइंग वीडियोज़ होते हैं वो वीडियोज़ भी आप लोग इससे आराम से शूट कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, एक ऊपर वाला जो लॉक दिया गया है इसे आप लोग इसे ऊपर का एंगल को लॉक कर सकते हो, यानी कि दाएँ बाएँ वो सब को लॉक कर सकते हो। और ये जो आप लोगों को एक डंडा जैसा दिख रहा है, इसे हम एक एडजस्टेबल हैंडल है जिससे आप लोग लॉक कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। लॉक करने से इसका ऊपर नीचे का मूवमेंट लॉक हो जाएगा, यानी कि एंगल इसका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो एक बबल, यानी कि बबल जैसा जो दिख रहा है, इसके अंदर एक स्पीड है जो कि एक बबल क्रिएट करता है। और इस बबल से आप लोग अपना कैमरा का एंगल को आराम से एडजस्ट कर सकते हो जिससे एकदम सीधा एक्यूरेट फोटो क्लिक हो पाए। और चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इससे स्टैंड को एक्सटेंड करके देखते हैं। तो देखिए, इसका मिनिमम लेंथ से थोड़ा सा हाइट में है, यानी कि अब इसका मीडियम लेंथ बोल सकते हो। इसका फुल लेंथ तो इतना नहीं है, इससे ज़्यादा लंबा है, इसका मीडियम लेंथ इतना है। तो अभी हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर इसका लॉक बार भी दिया गया है। तो लॉक करने के बाद देखिए, ये ना हिलता है, यानी कि ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। और यहाँ से आप लोग इतना लेंथ के में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर इसका पूरा लेंथ चाहिए तो चलिए अभी हम लोग इसका लेग्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसका फुल लंबाई कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका पहला लेग खोल दिया है, दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह सब लेग्स खोल देते हैं और देखते हैं कि कितना हाइट तक ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हाइट है ये कम से कम मेरे कमर तक का हाइट है। चलिए अभी हम लोग इसके मोबाइल होल्डर को इससे अटैच करके देखते हैं। तो देखिए, हमने इसे
अटैच कर लिया है, यानी कि देख सकते हो इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग अपना वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, डांस वीडियो वो सब आराम से इससे आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक बजट ट्राइपॉड है, यानी कि इसे आप लोग आराम से परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस जो कि मैंने शुरू में बताया था 345 रुपीज़ इतना पड़ा मुझे डिलीवरी चार्ज मिला के। तो दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है एक बजट रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, इसे आप लोग कहीं पर भी ले जा सकते हो क्योंकि ज़्यादा भारी भी नहीं है, 450 ग्राम का ही है। और जो एक्सपेंसिव ट्राइपॉड्स होते हैं उनके मुकाबले ये एक बजट रेंज में बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड मेरे हिसाब से है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर कुछ भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और इस आवाज को पहली बार सुन रहे हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।